1959 सलार कलान गाँव गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बिहार के एक किसान परिवार में राबड़ी देवी का जन्म। गांव के ही एक स्कूल में पांचवी कक्षा तक पढ़ाई। 1973 लालू प्रसाद यादव के साथ विवाह। 25 जुलाई 1997 बिहार की 26वीं मुख्यमंत्री। राबड़ी देवी 14 महीनों से बिहार की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी भी उनको एक राजनेता नहीं माना जाता है। दुनिया के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि बिहार की सरकार अभी भी उनके पति लालू यादव ही चला रहे हैं और राबड़ी देवी खुद सिर्फ नाम की चीफ मिनिस्टर हैं। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हम पटना गए राबड़ी देवी के साथ एक दिन बिताने। आप राजनीति में आने से पहले जब आपके पति मुख्यमंत्री बने थे या उससे पहले, वो तो क्यों जाजिन से काफी देर से जुड़े हुए हैं, तो आप कभी कोई राजनीति में रुचि रखती थी पहले? नहीं। बचपन में? नहीं, कभी नहीं। तो आपकी रुचियां क्या होती थी मुख्यमंत्री बनने से पहले? मैं घर के संभालती थी, घर बाहर शहर तो लालू जी तो घर पर उतना ध्यान नहीं देते थे, वो तो अपना बिजी रहते थे काम में। हम अपना घर बाहर भीतर बाल बच्चों को यही बस खाना पकाना। हाँ। और उस वक्त क्या सुबह उठ के उसी समय में हम 5 बजे 6 बजे उठ कर अपना वही नहा धोवा के पूजा पाठ, लड़कन के स्कूल भेजना, नाश्ता टिफिन भेजना, यही सब। और फिर दिन भर घर का ही काम, घर का काम दिन भर ही, सफाई करो उधर सफाई करो बस। और अब अच्छी है आपकी जिंदगी के पहले अच्छी थी? पहले अच्छी थी। राबड़ी देवी एक निहायत ही साधारण घरेलू किस्म की औरत है। मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके दिन कुछ इस तरह बीतते थे। सुबह उठ के पूजा, फिर बच्चों को नाश्ता देना, स्कूल भेजना और बाकी दिन घर के और कामों में मसरूफ रहना। पहले तो मैं घर में रहने वाली हूँ, आया तब जब कुर्सी मिला है हमको तो घर भी संभालना बाहर भी संभालना दोनों हम संभालते हैं, बाल बच्चा भी संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। और उतना ही आप बच्चों को देखभाल कर सकती हैं? उतना ही समय मिलता है, उतना ही समय। तो किसी औरत के लिए नेता बनना इतना मुश्किल नहीं है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। औरत को तो सब शक्ति मिलना चाहिए, ज्यादा शक्ति है दुर्गा माँ के वहाँ शक्ति मिलता है। हाँ। औरत तो दुर्गा माँ है। पर अगर आपको आपके पति ये राज ना देते तो क्या आप राजनीति में आती? पति मेरा राज कैसे दिए? एमएलए लोग हमको राज दिया, ये राज एमएलए लोग दिया, सिर्फ लालू प्रसाद के कहने से थोड़ी वो लोग दे देता है। या भोज करती है किसी संडे के दिन बाग बगीचे में? तो जब आप यहाँ पे आए थे उसके बाद आपने ये मछली वगैरह कितनी है? बहुत है। बहुत है, जब मन किया तब हम लोग निकाल के खाए इसमें से। अच्छा, आप खाती हैं मछली? उनके घर के अंदर अच्छा खासा डेयरी और पोल्ट्री फार्म मौजूद है। एक साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनकी रुचि राजनीति में कम और घर में ज्यादा है। आपके रहन सहन में क्या बहुत फर्क आया है तब से और अपने? कोई फर्क नहीं। परसों निकाला था, परसों इसने सुबह चाय कला अंदर जैसे जेल से छूटे उसी दिन से हम बोल रहे हैं, अभी भी आज भी बोल रहे हैं कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप तैयार हो जाइए। ये उनका बड़प्पन है, वो भारत की नारी है और भारत की नारी लोग का यही खूबसूरती है, वो पति लोग को बहुत रेस्पेक्ट करती है। कहते हैं कि नहीं हम कभी कुर्सी पर नहीं आएंगे। क्यों? अब पता ना। तो आप खुश हैं कुर्सी पर बैठे? इलेक्शन आप लड़ेंगे और राजनीति में रहेंगे? इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्योंकि वो एक राजनेता हैं, सो हमको कुछ राजनीतिक सवाल भी पूछने पड़े जिनके जवाब उन्होंने इस तरह दिए। आपके ख्याल में
बिहार की जो ये गरीबी की जो समस्या है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शासन ठीक से ना चलना या लोगों को शिक्षा ना दिए जाना? शिक्षा पे आप कितनी अहमियत रखते हैं? पर तो हम लोग जब से आए हैं तब से बहुत जोड़ दिए हैं गरीबों को, पढ़ना लिखना सिखाया हम लोग, रोड पर चलने के लिए हम लोग सिखाए हैं जब से हमारा सरकार बना है लालू जी जब से। कितने स्कूल खुले हैं पिछले? बहुत स्कूल खुला है। अंदाजन कितने? अंदाजन अब इतना हम देख के बता देंगे आपको। अच्छा। कल बता देंगे। हाँ। राबड़ी देवी से थोड़ी सी बात करने के बाद ही साफ जाहिर हो जाता है कि बिहार के असली नेता अभी भी उनके पति लालू यादव हैं। राजनीतिक आर्थिक सवालों के सही जवाब अभी भी वही दे पाते हैं। एक कहा जाता है कि बिहार इज ए रिच बट बिहार इज ए पुअर, दिस इज इंसल्ट एज ए होल ऑफ द बिहारी। और अब अगर आपके पास हो इसमें जगह तो एक घंटा मैं इस पर पूरी तस्वीर मैं आपके सामने रख दूं। आपका जो ग्रोथ रेट है सुन लीजिए ना, पहले सुनिए क्योंकि मैं डिटेल में बात करता हूँ। एक मिनट दो मिनट में न समझेगा कोई आदमी ना आप समझ पाए। आप बिहार आए हैं एंड आई वांट टू डिस्कस विथ यू विथ डॉक्यूमेंट एंड विथ फैक्ट। ये हमारा बिहार, बिहार इज ए पोलिटिकली वेरी कॉशस स्टेट फ्रॉम वेरी बिगनिंग। ये बिहार देवताओं का बिहार, ऋषियों का बिहार और बिहार राजनीति के प्रयोग का ये लेबोरेटरी है बिहार। यही हर नेता की सिक्का भी है बिहार। बिहार देश का सबसे गरीब सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत है, जहां देश आर्थिक तौर पे 5 और 7% वृद्धि कर रहा है, बिहार का ग्रोथ रेट 1.7% ही है। बिहार की 56% जनता गरीबी रेखा के नीचे है और देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग भी बिहार में ही हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री बनना जनता के साथ धोखा नहीं है? छठा पास महिला को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, पांचवा पास जिसको दस्तखत के लिए सिखाया जाता है उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्या जनता दल में उस समय कोई और कॉन्फिडेंस और एजुकेटेड आदमी नहीं थे तो उनको नहीं बनाया गया, इनको बना दिया गया? बेगर जीते हुए कैसे चुन के बना देगा, तो ऐसे कोई भी किसी का बना सकता है। पटना में हमें ऐसे भी लोग मिले जो लालू यादव की हर गलती बख्शने को इसलिए तैयार हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए कुछ किया। बिहार की हालत उतनी खराब नहीं है जैसा पेंट किया जाता है। बिहार से ज्यादा खराब हालत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की है। बिहार में दुर्गा पूजा हुआ, सब कोई आराम से घूमे है, कोई यहाँ चोरी डकैती ऐसी कोई बात नहीं है। केवल इसके बारे में बदनामी ज्यादा है बिहार के बारे में। सरकार तो ठीक चल ही रहा है। क्या कर रही है सरकार? अभी फिलहाल तो हम लोगों के साथ गरीबों के साथ तो बहुत तरह का उपकार मिला है। बताइए। जहाँ तहाँ गरीबों के लिए पक्का के मकान भी बना। राबड़ी देवी को अगर सीरियसली नहीं लिया जाता है तो इसका खास कारण है उनका तकरीबन अशिक्षित होना। उनकी पढ़ाई गांव के एक छोटे स्कूल में हुई थी और 5वीं क्लास करने के बाद उन्होंने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया था। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे बन गए मुख्यमंत्री? कैसे हमको दुनिया तो जानता था कि बहुत कम पढ़ी लिखी है, फिर भी लोग जनता ने चुना हमको, क्यों चुना? आप किस हद तक अपने पति से मदद लेती हैं सरकार चलाने में? क्या हम मदद उनका से लेंगे? नहीं लेते हैं मदद। कोई कोई फाइल ऐसा रहता है, केस वाला रहता है, उसमें जरूर हम पूछ लेते हैं कि ये केस का है, क्या करना चाहिए, नहीं और काम है क्यों लेंगे? दिन भर तो मेरा संग है, वो नहीं घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं हम अकेले जाते हैं। इतना दिन जेल में थे, शुरू शुरू में हम बने थे 4-5 महीना जेल में थे, कहाँ मदद हमको दी शुरू में? अब क्यों लेंगे? जब शुरू में मदद नहीं मिला तो अब पीछे में हम क्यों लेंगे मदद? आपके देखते देखते बिहार में कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। जैसे
विकास के काम में, विकास के काम में हम लोग तेजी लाए हैं। आप जो स्कूल के बारे में बोल रहे हैं कि बिहार में कितना स्कूल, साल भर में हम लोग 5,000 स्कूल खोले हैं। पटना में 1,000 हम लोग स्कूल खोले हैं, खुलने जा रहे हैं, शुरू हो गया है काम। जब हमने उनसे पूछा कि क्या सरकार चलाने के लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है, तो वो चिढ़ गईं। इतना पढ़ा लिखे आदमी नहीं काम किए, उतना हाथ काम किए नहीं, पर इन चीजों की समझ के लिए, अब जैसे पत्रकारिता है, कितनों भी पढ़ा लिखा आदमी रहेगा फिर भी दूसरा से पढ़वाएगा, अपने नहीं पढ़ सकता है। आप देखते हैं कि नहीं, दूसरा से मदद लेता है कि नहीं लेता है? लेता होगा, लेकिन जो लेता हुआ कि लेता है, हम लोग का आँखा कान उनका बहे नहीं, अंधा नहीं है, हम देखते हैं ना, देखते हैं घूमते हैं। तो आपके ख्याल में पत्रकार भी अनपढ़ बन सकता है? बन सकता है क्या? वीडियोग्राफी लेने के लिए उसका अनपढ़ पढ़ा लिखा आदमी होता है? फोटो खींचता है पढ़ा लिखा आदमी, छोटा छोटा बच्चा देखता है कि कैसे फोटो खींच सकता है। पर अगर आपको पढ़ाई की इतनी कम अहमियत नजर आती है, तो आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? अगर रुचि हमको नहीं है, रुचि अपना बच्चों को ना पढ़ाई लिखाई में रुचि है, पढ़िए लिखिए। आजकल का जमाना, पहले का जमाना दूसरा था, आज जमाना जो आया है आप देख लीजिए, बिना पढ़े लिखे के गुजारा नहीं है। तब तक हम लोग जब से आए हैं तब से हम लोग गरीबों को उठा दिया है कि पढ़िए लिखिए। राबड़ी देवी खुद भले ही अशिक्षित हों, वो अपने बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राबड़ी देवी 15 वर्ष की थी जब लालू यादव के साथ उनकी शादी कर दी गई, और शादी के बाद तक उन्होंने अपने पति को देखा भी नहीं था। अभी भी आज भी कोई देहात में नहीं दिखाता है लड़का लड़की। तो आपने पूछा भी नहीं कि आप नहीं। मेरी शादी कहाँ पे कर रहे हैं? कैसे हम पूछेंगे, जहाँ बाप मतारी है, जिसके हाथ पकड़ा देगा उसी के हाथ में जाना है। तो पहली दफा आपने शादी में, शादी के मंडप पे बैठ के देखा उनको? नहीं, यहाँ आने पर हम देखे हैं, शादी होने के बाद देखे। हाँ। तो आप अपनी बेटियों को ऐसा करेंगे क्या? बेटी चाहेगी तो ऐसा करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा, अब ये लोग के ऊपर। लेकिन आप जबरदस्ती नहीं करेंगे? नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, जे में ये लोग के खुशी होगा उसी में करेंगे। राबड़ी देवी को ये कहने से कोई संकोच नहीं होता कि मुख्यमंत्री बनने से पहले उनको राजनीति में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा है, और ना ही उनकी घर के बाहर की दुनिया में कोई रुचि है। सिर्फ घर, हम पहले शुरू से घर संभाल रहे हैं, उसी में ज्यादा रुचि रखते हैं घर में, और बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखभाल उनका। तो कोई पिक्चर नहीं? नहीं, कभी नहीं गए पिक्चर, बाजार भी आज तक बाजार करने बाजार भी नहीं गए कभी नहीं। और मनोरंजन के लिए क्या करती हैं आप, पढ़ती हैं या? थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो बच्चे लोग टीवी खोल कर बैठता है तो वहाँ थोड़ा देर बच्चे के बीच में बैठ जाते हैं। पर कोई किताबें वगैरह नहीं? लालू यादव को अगर चारा घोटाले में पिछले साल जेल नहीं भेजा जाता, तो राबड़ी देवी का राजनीति में आने का सवाल ही ना उठता। बिहार की जनता के लिए लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि सरकार की बागडोर राबड़ी देवी जैसी कम शिक्षित घरेलू औरत के हाथ में देकर लालू यादव ने उनके साथ अन्याय किया है कि नहीं। और राबड़ी देवी को देखकर तो ऐसा लगता है कि कुर्सी पर बैठा कर लालू ने उनके साथ भी उतना ही अन्याय किया है। पैसा गायब हुआ है तो जिन लोगों ने गायब किया है वो तो संगे घुमा रहा है, अपना लगे बैठा रहा है, रोड पर घुमा रहा है, वो कहाँ पकड़ाया है? आप क्यों नहीं पकड़ती हैं फिर? तो हम कैसे पकड़ेंगे? जो लोग कहता है कि माफिया राज बोलता है, वही लोग का आदमी है, तो हम कैसे पकड़ लें? माफिया को तो सरकार पकड़ सकती है। माफिया को तो सरकार पकड़ेगी, सरकार जब तक रहेगी तब तक तो माफिया लोग का तो खोज करवे करेगी, पकड़वे करेगी। तो ये चारा घोटाला माफिया ने किया है?
माफिया लोगों ने किया है, करवाया है लोग, जानबूझ के लोग करवाया है हमारा सरकार में। ये तो 18 साल से है ये घोटाला जो हुआ है, ये 18 साल से, आज का नया 8 वर्ष से 9 वर्ष से नहीं है, ये बहुत पुराना है। तो पुराना वाला कोई नहीं देख रहा है, नया वाला जो सामने है, आमने सामने है, उसी को लोग पकड़ रहा है। अच्छा खैर, क्या है, क्या हम लोग के इतना मुख्यमंत्री रहते हुए रेड हुआ हमारा घर में, क्या मिला? 2 साल से लोग छानबीन लोग कर रहा है, कहाँ कहीं हम लोग के कुछ है, कहाँ मिला है, कहीं कुछ नहीं मिला है। राबड़ी देवी और उनके पति लालू यादव दोनों मानते हैं कि बिहार हर तरह से ठीक है और राबड़ी की सरकार को बर्खास्त करने की कोशिश बिल्कुल गलत थी। बिहार की तरफ गरीबों पर उनका ध्यान नहीं है, न बाढ़ पर ध्यान है, न विकास पर ध्यान है उनका, सिर्फ राबड़ी देवी माने कैसे बिहार से कुर्सी से इनको कैसे हटाया जाए, 356 लगाए, चाहे कानून व्यवस्था झूठा रिपोर्ट दिखाकर चाहते हैं कि हम इनको हटाएं, कैसे जल्द जल्द बोलते हैं माफिया देते हैं, ज्यादा प्रधानमंत्री विकास पर ध्यान नहीं देते हैं। ये जो इल्जाम, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में माफिया राज है, इस पे आप क्या कहेंगे? माफिया राज यहाँ कहाँ है? खुद हम राबड़ी देवी सरकार चला रही है, माफिया राज यहाँ कहाँ है कि माफिया राज लोग चला रहा है? कहते हैं कि कोई वो कानून व्यवस्था नहीं है और यहाँ सब ठीक है। जो हम लोग का रिपोर्ट था राष्ट्रपति जी को हम लोग दिए, जो उनका आरएसएस के जो गवर्नर साहब आए हैं, खासकर इसी के लिए उनको भेजा गया यहाँ आपको हटाने के लिए। तो वो रिपोर्ट दिए, वो ले जाकर रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को दिए, हम लोग भी अपना रिपोर्ट दिए राष्ट्रपति जी को। ये तो देखिए एक बहाना है, ये बातें क्यों फैलाई जा रही हैं? ये बातें इसलिए फैलाई जा रही है कि यहाँ किसी का कुछ चलता नहीं है, पीपुल हमारे साथ है, ये सोशल जस्टिस का स्टेट है, यहाँ दबे कुचले पिछड़े माइनॉरिटी ऑल आर कम्बाइन, 32% हमारा वोट है, उससे हम ऊपर टेकअप करते हैं और सारा उपाय थक गया लोग, सब लोग, और कोई चीज नहीं बचती, तो ये 156 और दुष्प्रचार करना, माफिया राज बोलता हमारा साला लोग, हम माफिया हो गए। अभी उसका एक पोजीशन लीडर बोला। बिहार की समस्याएं गंभीर हैं, उनको सुलझाना किसी शिक्षित तजुर्बेकार नेता के लिए भी आसान नहीं, तो एक घरेलू गांव की महिला के लिए कितना मुश्किल होगा, उसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। राबड़ी देवी के साथ एक दिन बिताकर लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ हो गई वो ये थी कि बिहार के असली मुख्यमंत्री अभी भी लालू यादव ही हैं। लालू ऐसा मानते नहीं हैं और ये भी कहते हैं कि वो दोबारा चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। कहीं भारत के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर किसी राजनेता की पत्नी मुख्यमंत्री बन जाए तो वही राज चलाता हो पति, कहीं भी नहीं, राज तो राबड़ी देवी चलाती है। अब इसमें चाहे फाइलों का निष्पादन हो या जो घोषणा हो या पार्टी के घोषित नीति के तहत सरकार को काम करना है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। लोग ऐसे सोचते लालू यादव राज चला रहा, मैं सारी बात को समझता हूँ। आप दोबारा सीएम बनेंगे क्या? दोबारा सीएम बनने का कोई इरादा नहीं, सीएम का कुर्सी मेरे लिए अब अपच हो गया, बहुत दिन हो गया, दूसरे को मौका मिलना चाहिए।
खास चीज है जो पहले थी जो अब आप नहीं कर सकती? अब टाइम नहीं मिलता है उतना। अच्छा, पर ये राज चलाना और दिल्ली जाके राष्ट्रपति से मिलना, ये सब इसमें मजा नहीं है अलग का? इसमें हमको बैंक के अपना ही नहीं, अब हमको जब लोग चुन लिया है तो उसको तो नहीं माना है। पर इलेक्शन के बाद आप नहीं बनेंगी? नहीं, उसके बाद आप फिर आके बच्चों के पास घर में रहना पसंद करें? रहना पसंद करूंगी।